हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा आईफोन के चार्जिंग पोर्ट को कैसे हम इनकी पहचान करें, ठीक है, कि इसमें कौन सा कॉपी है और कौन सा ओरिजिनल है। तो आप कभी भी चार्जिंग पोर्ट चेंज करो या लेने जाओ या मिले आपको, तो आप कैसे पहचानोगे कि इसकी पहचान क्या है, ठीक है, कि कैसे हम इसे पहचाने कि कॉपी लगा हुआ है कि ओरिजिनल लगा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास अभी इस तरह के चार्जिंग पोर्ट हैं आईफोन 5S के और 6 के तो 6S के। तो देखिए आपको इस तरह के सारे दिखेंगे, आपको एक जैसे दिख रहे होंगे। तो देखिए आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं, मेरे ख्याल से फ्रेंड आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि मतलब इसमें से कॉपी है कौन सा और ओरिजिनल है कौन सा, क्योंकि देखने में तो सारे के सारे सेम हैं। जब तक आपको उसका डिफरेंट नहीं बताऊँगा आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हो या बार आपने कई बार देखा हुआ है, आपने नहीं सोचा कभी कि इनमें से कॉपी कैसे पहचाने, ओरिजिनल कैसे पहचाने, कैसे हम इनकी पहचान करें। तो मैं आज इस वीडियो में वही दिखाऊंगा कि इन सब चीज़ों को आप आसानी से कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा ओजी है कौन सा कॉपी है, ठीक है। चलिए मैं शुरू करते हैं, मैं अपने कैमरे को पहले सेट रख देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग करता हूँ आईफोन 5S से, ठीक है। तो देखिए मेरे पास अभी ये सारे चार्जिंग पोर्ट है, पहले मैं इन दो को दिखाता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे सब लाइन लगी पड़ी है, मुझे आपको पता नहीं कि कौन कॉपी कौन ओरिजिनल, मैंने इसमें लेकिन कर रखे हैं। सबसे पहले ये उठाता हूँ, देखिए ये मेरे पास एक आईफोन 5S का चार्जिंग पोर्ट है, इसके बाद देखिए आईफोन 5S का ये भी चार्जिंग पोर्ट है। तो फ्रेंड आपको जो ये मेरे ऊपर वाला चार्जिंग पोर्ट है इसमें आप पहचान सकते हो कि ये स्टिकर लगे हुए हैं ये कॉपी है। तो इससे मान लीजिए फ्रेंड ये स्टिकर ना भी हो, ठीक है, फिर भी आपसे कैसे पहचानोगे? अभी तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि हाँ स्टिकर लगा हुआ है तो ये कॉपी होगा और ओरिजिनल में स्टिकर होगा नहीं, क्योंकि वो कंपनी से आता है। तो चल रही है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए पीछे से मैं इसे घुमाता हूँ, तो पीछे से भी देखिए कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं दिख रहा है, बस ये स्टिकर लगा हुआ है, इसकी वजह से आपको लग रहा है हाँ आप आसानी से पहचान दोगे हाँ ये कॉपी है। अगर स्टिकर हटा दी जाए तो आप नहीं पहचान पाओगे कि मैं कौन सा ओरिजिनल है कौन सा कॉपी है, ठीक है। तो मैं आपको उसमें डिफरेंट बताऊँगा अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, पहले आपको कुछ बता देता दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये दो थे आईफोन 5 और 5S के। चलिए मैं अब ओरिजिनल पे आता हूँ और 6 पे आता हूँ कॉपी पे। तो देखिए ये आईफोन 6 और 6 के मतलब दोनों एक जैसे, मैं इनको मिक्स कर देता हूँ फ्रेंड, फिर आप देखिए तो इसमें आप कैसे पहचानोगे आगे से कि कौन सा ओरिजिनल कौन सा कॉपी है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा कॉपी है, क्योंकि देखने में एक जैसे हैं, फिर आप कैसे पहचानोगे कि यार ये ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा। देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कौन सा ओरिजिनल, क्योंकि एक 6S का और 6 का है, ठीक है। तो पीछे से घुमाते हैं, तो पीछे से भी देखिए इसमें से आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है कि यहाँ ये ओरिजिनल कॉपी कौन सा है और ये कौन सा है। तो मैं जानता हूँ फ्रेंड आप इस आप अभी भी कन्फ्यूज हो रहे होगे कि ये इसमें से कौन सा ओरिजिनल कौन सा कॉपी है, ठीक है। तो देखिए आप गौर से देखते रहिए, मैं आपको इसका सब कुछ बताऊँगा। तो आप चलते हैं तीसरे वर्ड पर। तो ये देखिए तीसरे हैं, ये तीसरे आईफोन 6 के दोनों फ्लैक्स हैं, दोनों वाइट हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब आपको इसमें क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है, कुछ आपको आ रहा नज़र या नहीं, ठीक है। अब पीछे से भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले आगे देख लीजिए आपको दिख रहा है कि नहीं। तो मैं आपको स्क्रूड्राइवर दिखाता हूँ, देखिए बिल्कुल आप नहीं पहचान पाओगे कौन सा ओरिजिनल कौन सा कॉपी, बिल्कुल ही सेम है कॉपी, मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन कंपनी कुछ ना कुछ अलग देती है जिससे कि आप पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से घुमाते हैं, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है, कोई मतलब अलग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के मतलब आप कैसे पहचानोगे ये मैं आपको दिखा दिए। चलिए अब शुरू करते हैं इनकी पहचान कॉपी और ओरिजिनल की, ठीक है। तो ये जो कॉपी है, कॉपी में तो मान लीजिए स्टिकर लगा हुआ तो आप आसानी से पहचान जाओगे। तो देखिए बिना स्टिकर के आपको बताऊँ, तो अगर स्टिकर ना लगा हो तो कैसे पहचानोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं जूम कर देता हूँ क्लीन। तो देखिए यहाँ पे एक स्टिकर जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये राइटिंग लिखी है, यहाँ पे देखिए फूल बना हुआ, कॉपी में ओरिजिनल फूल नहीं बना हुआ। तो यही पहचान सकते हो कि किसी भी लिखने से भी, देखिए यहाँ फूल सा बना हुआ लिखा हुआ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ लेकिन फूल नहीं बना हुआ, ठीक है। ये भी पहचान है कि ओरिजिनल में फूल नहीं बनाता और यहाँ पे तो एप्पल लोगो बना हुआ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सब कुछ सेम है। और फ्रेंड अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा कि लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मैं आपको एक और पहचानी बताऊँगा कि वो तो 100% ओरिजिनल की ही निशानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्क्रू ड्राइवर के जो पेस्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिए जो गोल्डन कलर के गोल गोल दिख रहे हैं आपको जहाँ पे हम स्क्रू लगाते हैं, तो यहाँ देखिए ये सिल्वर है, इसके ऊपर सिल्वर कलर की पट्टी चढ़ी हुई है ओरिजिनल पे, आपको दिख रहा होगा ओरिजिनल सिल्वर। यहाँ देखिए कॉपी पे गोल्डन कलर की पट्टी है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये फ्रेंड पहचानी ओरिजिनल की है 100%, अगर लिखा हुआ ना भी हो तो ऐसे इसकी पहचानी है। क्या कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए सीधे करने पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें कोई पहचानी नहीं दिखेगी आपको,
तो देखिए यहाँ से बिल्कुल सब कुछ सेम है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सी सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको गोल गोल सी कुछ दिखाई डॉट दिख रहे हैं, देखिए यहाँ कोई डॉट नहीं है। तो ओरिजिनल में आपको डॉट नहीं मिलेंगे, कॉपी में आपको डॉट मिलेंगे। आप इसमें थोड़ा लेकिन फ्रेंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से डॉट है या नहीं, तो मैं आपको सिंपली बताऊं ओरिजिनल कॉपी अगर आपको पहचानना हो 100% की ओरिजिनल है कि नहीं है, तो आप ये सिल्वर कलर की पट्टी गोल्ड स्क्रू वाली ये देख लेना, ठीक है, कि ये सिल्वर है वो या गोल्डन होगी। मैं आपको उनमें भी दिखाता हूँ, ठीक है, ये 6 और 6S में दिखाता हूँ आपको। तो आगे देखिए, आगे में 6S में कुछ फ़र्क नहीं है, 6 में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही हैं, बस दो माइक का फ़र्क है, ठीक है। वो देखते होंगे वो दो माइक लगे हुए हैं बस, और कुछ फ़र्क नहीं है 6S और 6 में। नीचे तक के माइक जो है वहाँ देखिए, वहाँ एक ही है या दो हैं, तो उल्टा कर देता हूँ आपको, देखिए उल्टे में देखिए फ्रेंड ओरिजिनल कॉपी में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पे देखिए एप्पल लोगो बना हुआ, ये देखिए एप्पल का लोगो बना हुआ ओरिजिनल में, और कॉपी में एप्पल का लोगो नहीं है, ठीक है। ये भी एक पहचानी है एप्पल लोगो की, कि ओजी है या कॉपी। आजकल फ्रेंड कॉपी में भी ओजी में कॉपी में एप्पल का फ़र्क नहीं है, लेकिन कभी भी हो नहीं सकता। देखिए फिर भी देखिए, अब देखिए अब बात नोट करिए, देखिए यहाँ पे तो हर तरीके, मतलब यहाँ पे देखिए गोल्ड तो स्क्रू लगाते हैं, यहाँ पे देखिए सिल्वर कलर की पट्टी है, और यहाँ देखिए गोल्डन कलर की पट्टी है, आपको दिख गया होगा फ्रेंड। तो ये मेन चीज़ें हैं फ्रेंड पहचानने की, कि सिल्वर जो पट्टी लगी हो वो ओरिजिनल की निशानी है, और जो गोल्डन लगी हुई है वो कॉपी की निशानी है, ठीक है फ्रेंड। ऊपर से तो आप पहचान नहीं पाओगे, अगर आपको पहचान नहीं करनी तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा, तब आप पहचान सकते हो, या किसी से आपने लिया हो, किसी ने आपको दिया हो, तो आप इस तरह से आप उसको पहचान सकते हो कि कौन सा कॉपी है कौन सा ओरिजिनल है। देखिए आगे से भी आपको दिख रहा होगा, आगे से कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, सब कुछ सेम ही है, बनावट बनावट भी सेम है, ठीक है। देखा आपने फ्रेंड, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के दोनों सेम ही है। तो चलिए चलते हैं दोनों 6 पे। तो 6 पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आगे से बिल्कुल ही सेम है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, टोटली सब कुछ सेम है, कोई अलग नहीं है। तो पीछे करते हैं, तो आप पीछे से ही फ्रेंड पहचान सकते हो उसको, कि कंपनी ने सब कुछ सेम आगे से नहीं दिया हुआ, जो पहचानी पीछे ही है। देखिए यहाँ पे एप्पल लोगो है, यहाँ एप्पल लोगो नहीं है, तो मतलब कॉपी है ये वाला। और यहाँ देखिए कोई सिल्वर नहीं है, अलग सिल्वर की पट्टी लगी हुई है, ये ओरिजिनल है और ये कॉपी है। तो फ्रेंड मैंने जो तीनों पत्ते दिखाए सब में मैंने आपको सिल्वर कलर की पट्टी वाले बताया है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कोई सिल्वर की है या गोल्डन है, ठीक है। जो सिल्वर हो फ्रेंड वो ओरिजिनल है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ डॉट दिखेंगे आपको ये साइडों में, ये देखिए आपको बिंदी बिंदी दिखाई दे रही है, ये ओरिजिनल की निशानी है, और यहाँ बिंदी नहीं है तो ये कॉपी है। और मैं दिखाता हूँ, ठीक है, इनमें भी नहीं है। तो देखिए बहुत सी चीज़ें हैं फ्रेंड, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो ओरिजिनल कॉपी में दिखाई देती हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट ही चीज़ 100% में सीधा 100 की बात बताऊँ, तो अभी सिल्वर जो बटन है यहाँ पे वो देख लेना, ठीक है, बटन क्या सॉरी स्क्रू लगाने वाला, ठीक है, आप वो पहचान लीजिए, ठीक है। हम 100% वही आपको कॉपी ओरिजिनल में मिलेगा, और सब कुछ मिले ना मिले लेकिन वो ज़रूर मिलेगा जो उसके स्क्रू लगाते हैं। तो देखिए इस तरह के मतलब ये सारे पत्ते हैं हमारे, जो हमारे पॉट हैं यहाँ पे, जो भी है मतलब देखिए यहाँ पे गोल्डन, यहाँ पे गोल्डन है, तो ये पहचानी है मतलब फ्रेंड ओरिजिनल कॉपी की, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप पहचान सकते हो कोई से भी आईफोन के चार्जिंग पोर्ट को, ठीक है, इस तरह से है। तो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ सारे, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ फ्रेंड पहचानी, देखिए इन सब में देखिए सारे में दिखाऊंगा क्या क्या पहचानी, कॉपी ओरिजिनल मैंने मिक्स कर दिए हैं, फिर भी आपको पीछे से ही दिखाऊंगा। देखिए गोल्ड, यहाँ सिल्वर है, यहाँ सिल्वर है, यहाँ देखिए यहाँ पर सिल्वर है, ये सब अलग तरह के हैं, जो भी पत्ते सब सेम है, बस सिल्वर की और गोल्डन की आपको पहचान होगी तब जाके आप पहचान सकते हो, ठीक है। एक ना एक तो कंपनी पहचान ऐसी देती है जो कॉपी वाले में भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये पहचानी है सिल्वर और गोल्डन की, कि आप स्क्रू जहाँ लगते हैं वो उनको देख के बता सकते हो, क्योंकि जो सिल्वर कलर के जो स्क्रू दिए हुए हैं सिल्वर वाले वो कंपनी ही देती है बना के, इनके बस की नहीं है कॉपी वालों के, ठीक है, ये अलग से ऐसे ही कुछ बनाते हैं। तो मैं भी देखा, मैं इनको मिक्स कर देता हूँ आपके सामने, सारा मिक्स कर देता हूँ, अब आप बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे, लेकिन बस स्टिकर वाला पहचान जाओगे। तो उसकी पहचानी क्या है, वो कॉपी था। तो ये देखिए यहाँ से भी कुछ नहीं पता लग रहा, यहाँ देखेंगे तो देखिए ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, सिल्वर गोल्डन है, तो इसे सेट कर देते हैं, इसको उठाते हैं, तो ये भी हमारा कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, पहचान कर आसानी से इसको सेट कर देते हैं, इसको देखते हैं, ये देखिए ये ओरिजिनल है, ये सिल्वर पट्टी है, तो ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है, तो ये पहचानी इसकी है ओरिजिनल की, तो इसको सेट कर देते हैं, ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है, इसको सेट कर देते हैं। अब इस पर चलते हैं, इसको देखते हैं, तो यहाँ से घुमाते हैं, देखिए यहाँ पर सिल्वर कलर की पट्टी है, तो ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है। और यहाँ देखिए देखिए सिल्वर कलर की पट्टी यहाँ पर लगी हुई है, एप्पल लोगो बना हुआ है, हाँ देखिए एप्पल लोगो भी है, तो ये ओरिजिनल है। तो देखा आपने फ्रेंड, इस तरह से पहचान सकते हैं सारे आईफोन के चार्जिंग पोर्ट को, अगर आप आपको पहचानी करनी हो तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, ठीक है।
अगर आपको मेरी वीडियो फ्रेंड पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।